हे गाइस, सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शेल्टर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 की कहानी को। दोस्तों, हमने इस सीरीज के सारे प्रीवियस एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम आर्थुर और ईमा इन दोनों को देखते हैं। आर्थुर यहाँ पर मिक्की को ढूंढता हुआ एक समुद्र के किनारे पर आता है, क्योंकि उसने मिक्की के फोन में पहले से ही एक ऐप इंस्टॉल किया था और वह उसी की फोन की लोकेशन की मदद से समुद्र के किनारे पर आया है और यहाँ पर उसे मिक्की पड़ा हुआ मिलता है। तब ये दोनों मिक्की को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिरा को देखते हैं, जो अपने घर पर होती है। उसके पास ट्रॉय आता है। ट्रॉय यहाँ पर सिरा से बोलता है कि मैं यहाँ पर मिक्की के लिए आया हूँ, और वह सिरा को टी शर्ट देते हुए बोलता है कि यह मिक्की की टी शर्ट है जो टीम के हर एक मेंबर को मिलती है। साथ ही वह यह भी बताता है कि आजकल मेरे डैड बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उसी वजह से मेरे डैड और मेरी मॉम इन दोनों में दूरियां आ चुकी है, और यह सब आपकी वजह से हुआ है, इसलिए प्लीज मेरी फैमिली से आप दूर रहिए। और ट्रॉय इतना बोलकर वहां से चला जाता है। तब तक सिरा के पास भी हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और सिरा यहाँ से मिक्की के पास हॉस्पिटल में चली जाती है। यहाँ पर ईमा और आर्थुर भी होते हैं। वो बोलते हैं कि यह सारी गलती उस बैट लेडी की है, उसी की वजह से मिक्की का ये हाल हुआ है। और ये दोनों उस बैट लेडी के पास जाने का फैसला करते हैं, जहाँ बैट लेडी पहले से ही डीलन के साथ होती है और वह डीलन को बताती है कि मैंने ब्रेड की आवाज सुनी है। तो यहाँ पर डीलन बैट लेडी को बोलता है कि ब्रेड को भूल जाना ही बेहतर होगा। तब तक यहीं पर आर्थुर और ईमा आ जाते हैं, जो बैट लेडी से मिलते हैं और बैट लेडी को भला बुरा बोलते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त मिक्की की जान खतरे में है और यह सब तुमने किया है। तो बैट लेडी बोलती है कि वो हमारी मदद कर रहा है और तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर वह एक कब्र को दिखाती है और यह कब्र लीजी की होती है, जो कि बैट लेडी का ही नाम होता है। बैट लेडी बोलती है कि इस कब्र में मेरा बचपन है और मैंने बैट लेडी इसलिए नाम चुना था ताकि कोई भी बच्चा मेरे करीब ना आए, लेकिन तुम दोनों बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो और समझदार भी हो। जो काम मिक्की ने शुरू किया था वो अब तुम्हें करना होगा, यानी कि एसले को ढूंढना, और इस काम में तुम दो नहीं बल्कि तीन हो। और इतना कहकर वह यहाँ से चली जाती है। तभी यहीं पर रिचेल आती है, यानी बैट लेडी इन तीनों की ही बात कर रही थी, और तभी तीनों भी अपने काम पर लग जाते हैं। तभी स्कूल के नीचे बने एक चैम्बर में आते हैं, जहाँ पर अक्सर अपनी मीटिंग करते हैं। रिचेल यहाँ पर पहली बार आई है। वह बोलती है कि इसीलिए तुम लोग लंच के टाइम पर नहीं आते थे। रिचेल बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि वो लोग मिक्की के साथ क्या करने वाले हैं तो शायद मैं मिक्की की जान बचा लेती। ये सब मेरी गलती है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। तो यहाँ पर आर्थुर रिचेल से पूछता है कि वो जगह दिखने में कैसी है। रिचेल बताती है कि वो एक क्लब जैसा है। तब ये उस जगह का एक मैप निकाल लेते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग एक वेंट के जरिए उस कमरे तक पहुंच जाएंगे जहां पर एसले को रखा गया है। तो आर्थुर बोलता है कि इस काम को मैं करूंगा, हालांकि वह जगह इनसे काफी दूर होती है, यानी कि वह जगह पेंसिल्वेनिया में होती है। तो ईमा बोलती है कि गाड़ी मैं लेकर आऊंगी, और अगले ही दिन ईमा गाड़ी लेकर आती है और ये तीनों पेंसिल्वेनिया के लिए निकल जाते हैं। वहीं मिक्की जब हॉस्पिटल के अंदर होता है, वहीं पर डीलन आता है। डीलन बताता है कि मेरे गायब होने के कुछ दिनों बाद तुम्हारे डैड बैट लेडी के घर पर आए थे, वहां पर तुम्हारी बुआ ने उसे जबरदस्ती भेजा था, और वो बाहर तब इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने अंदर मुझे देख लिया था, हालांकि मुझे बैट लेडी ने सभी लोगों से छुपा कर रखा हुआ था। तब बैट लेडी ने तुम्हारे डैड को समझाया कि मेरा अंदर रहना कितना जरूरी है। तब तुम्हारे डैड सारी बात मान चुके थे, और तब हम दोनों ने एक दूसरे की कैप को चेंज किया, और उसी वजह से मुझसे मिलने के बाद तुम्हारे डैड थोड़े से सैड थे। और डीलन यहाँ पर मिक्की को उसके डैड की कैप देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डैड की यह आखिरी निशानी है। दूसरी तरफ हम आर्थुर को देखते हैं, जो उस क्लब की वेंट में पहुंच जाता है, और बाहर से ईमा और रिचेल उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन वह गलत जगह से दूसरे हॉल में चला जाता है जहाँ इस क्लब के लोग उसे देख लेते हैं। यहीं पर कैंडी भी होती है, जो आर्थुर को देख लेती है और आर्थुर को बोलती है कि पीछे मुड़कर मत देखना, तुम शायद यहाँ पर एसले के लिए आए हो, क्योंकि कल यहाँ पर मिक्की भी आया था। आर्थुर बोलता है कि मैं एसले के लिए आया हूँ और बाहर मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। कैंडी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी यहीं पर क्लब के आदमी आते हैं, जो यहाँ पर आर्थुर को पकड़कर ले जाते हैं। तब कैंडी यहाँ पर रिचेल और ईमा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं एसले और मिक्की की दोस्त हूँ, उन्होंने तुम्हारे दोस्त आर्थुर को पकड़ लिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूंगी। तुम्हारी दोस्त एसले एक काल कोठरी में है जहाँ उसे बेच दिया गया है, और उसका खरीदार आने ही वाला है, और उससे पहले हमें उसे किसी तरह बचाना होगा। साथ में कैंडी इन दोनों को यह भी बताती है कि तुम दोनों क्लब के अंदर चली जाओ, और वहाँ पर एक बड़ी नाम का आदमी है जिसके फोन के अंदर एक ऐप है, और उस काल कोठरी का पासवर्ड उसी फोन के अंदर है। बस तुम दोनों अंदर जाकर पकड़े मत जाना, और जाते हुए फुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाना ताकि कोई दूसरा तुम्हें पहचान ना सके, और मैं तब तक तुम्हारे दोस्त आर्थुर को बचाऊंगी। तब यहाँ पर रिचेल और ईमा ये दोनों मिलकर इस क्लब के अंदर चली जाती हैं।
और ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि जैसे लेस्बियन हो, और उस वजह से इनके ऊपर कोई डाउट नहीं करता। और यहाँ से ये दोनों बड़ी के पास चली जाती है, जहाँ ईमा बड़ी को बताती है कि मैं एंजेलिका की बेटी हूँ। तो बड़ी बोलता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ फोटो लेने चाहिए। तब रेचल यहाँ पर ईमा और बड़ी इन दोनों की फोटो क्लिक करने लगती है, और वह ये फोटो बड़ी के फोन में क्लिक करती है। साथ ही साथ वह उस एप्लीकेशन की मदद से काल कोठरी के पासवर्ड का पता कर लेती है जहाँ पर एसले को रखा गया है। और तब ये दोनों यहाँ से सीधा काल कोठरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर ये दोनों पासवर्ड को एंटर करने वाली थी, लेकिन तभी वहीं पर बड़ी आ जाता है और वह बोलता है कि मुझे तुम दोनों पर पहले से ही डाउट था, और वह इन दोनों को मारना शुरू कर देता है। तब रेचल यहाँ पर किसी तरह भागकर पासवर्ड को एंटर तो कर देती है, लेकिन वह दरवाजे को नहीं खोल पाती, और बड़ी इन दोनों को पकड़कर इन दोनों को ही मारने वाला था। तभी पीछे से एसले आ जाती है और वह यहाँ पर बड़ी को मार देती है, और इस तरह से इन तीनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं, जिसे पकड़कर गाड़ी में डाल दिया जाता है और उसे मारने के लिए यहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन तभी चुपके से कैंडी भी इस गाड़ी में चढ़ जाती है और आर्थर को बचाती है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और वह आर्थर को यह भी बोलती है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तब आर्थर भी कैंडी की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें कहीं पर देखा है। तब आर्थर को अपने बचपन की याद आती है और वह बताता है कि मैं मेरे मॉम डैड के साथ एक फाउंटेन के पास जाया करता था, और तुम उस फाउंटेन के पास बैठी रहती थी और तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास थी। तो कैंडी हाँ में जवाब देती है, वह बोलती है कि अब मेरी मॉम मेरे पास नहीं है। साथ ही कैंडी आर्थर को यह भी बताती है कि मैं अभी 16 साल की हूँ। तो आर्थर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस चीज में फंसी हुई हो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तब तक ये लोग आर्थर को समुद्र के किनारे पर ले आते हैं और आर्थर को निकालकर उसे गोली मारने ही वाले थे। तब तक पीछे से यहाँ पर कैंडी आकर इस आदमी के सर पर वार कर देती है, लेकिन यह आदमी गोली चला देता है और यह गोली सीधा कैंडी को लगती है। यह आदमी तो मर जाता है, लेकिन कैंडी घायल हो जाती है। तब आर्थर यहाँ पर कैंडी को संभालता है। कैंडी बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, और आर्थर कैंडी के पास ही बैठा रहता है, और देखते ही देखते कैंडी अपना दम तोड़ देती है। तब आर्थर जोर जोर से रोने लगता है, और आर्थर जहाँ पर होता है वहीं पर मिक्की का कॉल आ जाता है। वहीं ईमा और रेचल एसले को लेकर यहाँ से भाग रही होती हैं। तभी वहीं पर वह औरत आ जाती है जो इस पूरे काम को हैंडल कर रही थी, और वह ईमा को गन पॉइंट पर ले लेती है और एसले को बोलती है कि अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहती हो तो जाओ गाड़ी में बैठो, क्योंकि बायर तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा है। एसले के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह गाड़ी के करीब जाने लगती है और उस गाड़ी में बैठने वाली होती है। तब तक यहीं पर मिक्की और आर्थर एक गाड़ी लेकर आ जाते हैं। तब ईमा अपने आप को छुड़ाकर इस औरत को गाड़ी के सामने फेंक देती है, जिससे इस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, और इस तरह एसले भी वापस इनके पास आ जाती है। तभी यहीं पर ऑक्टोपस वाला मैन भी आ जाता है और वह बताता है कि मैं एबियोना के साथ काम कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से ही तुम लोगों की मदद करता आ रहा हूँ। और वह कहता है कि इस क्लब के आदमी आते होंगे, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, और वह इस तरह से इन सभी को यहाँ से भगा देता है, जहाँ ये सभी एक जगह पर आ जाते हैं। मिकी यहाँ पर एसले से बात करता है और कहता है कि भले ही मैं तुमसे कम वक्त के लिए मिला था, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कुछ खो गया हो। एसले बोलती है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। एसले बताती है कि तुम्हारे डैड का आखिरी मिशन मैं ही थी, उसने मुझे बचाया। मैं तुम्हारे डैड का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गई थी, जहां पर मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन उन आदमियों ने मुझे फिर से पकड़ लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि वो लोग मुझे मार देंगे। तब तक यहीं पर ऑक्टोपस वाला मैन आ जाता है, जो एसले को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि एसले यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो सेफ हो। और इस तरह से मिकी एसले से आखिरी बार मिलता है, और ये लोग एसले को यहाँ से ले जाते हैं। वहीं सीरा जब अकेले होते हैं, उसके पास हाना आती है। सीरा हाना को बताती है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास आया था और उसने मुझसे यह कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। वह बोलती है कि मैं घर तोड़ने वालों में नहीं हूं, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं अपने भाई के बेटे को संभाल सकूं, यानी मिकी को संभाल सकूं। और यह कहते हुए वह रोने लगती है। तो भाना सिरा को शांत करती है, उसे गले लगाती है, और इन सबको ट्रॉय भी देख लेता है। वही ऑक्टोपस वाला पर्सन मिकी को एक लेटर देता है और कहता है कि यह तुम्हारे डैड का है। और इस तरह से ये सारे फ्रेंड घर आ जाते हैं। मिकी घर पर आकर इस लेटर को पढ़ता है। इस लेटर में लिखा होता है कि बैट लेडी, मैंने और किटी ने मिलकर बहुत सारे बच्चों को बचाया है, जिसमें मिक्की भी है, और मिक्की हमारे लिए खास भी है, लेकिन अब हम इस एबियोना मिशन को छोड़ना चाहते हैं और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। इससे मिक्की को पता चल जाता है कि मेरे डैड का एक्सीडेंट करवाने वाली बैट लेडी है। इसीलिए मिक्की यहाँ से बैट लेडी के पास जाता है और उसे भला बुरा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड की जान चली गई। बैट लेडी मिक्की को ऐसे कमरे में लेकर आती है जहाँ पर बहुत सारी फोटो लगी है, और वह बताती है कि तुम्हारे डैड ने इतने सारे बच्चों को बचाया है, ये सभी फोटो उन्हीं बच्चों की है। वह इनमें से एक लूथर नाम के आदमी की फोटो दिखाती है। ये वही आदमी होता है जो एक्सीडेंट के वक्त मिकी के डैड की बॉडी को लेकर गया था। तो मिकी यहाँ पर बैट लेडी से बोलता है कि तुमने कहा था कि वह एक कसाई है और मेरे डैड ने उसे बचाया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो बैट लेडी बोलती है कि यह एक लंबी कहानी है। तभी पीछे से लूथर आ जाता है, जो बैट लेडी को मार देता है और खुद इस रूम में आग लगाकर यहाँ से भाग जाता है, और यह पूरा रूम जलने लगता है और मिक्की बेचारा दरवाजा पीटने लगता है। इसी रूम के अंदर, इन सारी फोटोज के अंदर, हम आर्थर की फोटो को भी देखते हैं, शायद मिकी के डैड ने उसे भी बचाया हो। और इस तरह से इस पूरे घर को आग लग जाती है, और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे मुलाकात करते हैं और भी लेटेस्ट वेब सीरीज के साथ।
तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।